अब हम लोग एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम है लाइट बॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइट बॉक्स होता क्या है। तो अगर आप अपने ब्राउजर पे विकिपीडिया का कोई भी पेज ओपन करोगे तो आप इसमें देखोगे विकिपीडिया में जनरली क्या होता है, कंटेंट होता है और कुछ इमेजेस होते हैं कंटेंट से रिलेटेड। और अगर आप उनमें से किसी भी इमेज पे क्लिक करोगे तो वो जूम होके आ जाता है और आपके पास लेफ्ट राइट का ऑप्शन आ जाता है। देखो, जब पहला इमेज होगा तो यहाँ पे लेफ्ट जाने का ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो फर्स्ट इमेज है। उसके बाद आपके पास इधर राइट जाने का ऑप्शन है। फिर जितने भी इमेजेस होंगे सबको आप एक बार में ही देख सकते हो, राइट, लेफ्ट राइट बटन पे क्लिक करके। और फिर जब आपने इमेज देख लिया तो यहाँ पे क्रॉस का बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो फिर से पेज खुल जाएगा। यही चीज हम लोग बनाने वाले हैं और इसी को बोलते हैं लाइट बॉक्स। ठीक है, आप देखो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट इमेज होगा उसमें इस साइड का बटन, लेफ्ट साइड का बटन गायब रहेगा और जो लास्ट इमेज होगा उसमें राइट साइड का बटन गायब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते और उससे पीछे आप जा नहीं सकते। और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस का बटन होगा। ये दोनों जो बटन है और भी जो है डाउनलोड का ऑप्शन है, ये सब हम लोग नहीं बनाने वाले, हम लोग बस यही बनाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा प्लगइन बनाते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हम लोग प्लगइन बनाने जा रहे हैं। प्लगइन का मतलब क्या होता है कि आपका कोड जो आपने लिखा है वो किसी भी वेबसाइट में अटैच करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, गूगल में अगर आप सर्च करोगे लाइट बॉक्स जेएस प्लगइन तो बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, राइट। और उसके बाद अगर आप, जैसे मैं jquery-script.net को ओपन करता हूँ तो यहाँ देखो हमारे पास बहुत सारे प्लगइन जो जिन लोगों ने सबमिट किया है वो आया हुआ है। और इसमें मान लो इसको ओपन करते हैं, ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो दो लिंक आता है, डेमो और डाउनलोड। डाउनलोड से आपका कोड डाउनलोड होता है जिसको आप अटैच करोगे तो आपका फंक्शनैलिटी ऑन हो जाएगा। और डेमो पे आप पहले देख सकते हो डाउनलोड करने से पहले कि क्या कैसा दिखेगा, राइट। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो ये क्या होगा, इमेज पॉप करके आने वाला है। अभी देखो पॉप आ गया और यहाँ पे क्लोज का बटन है और यहाँ पे एरो है जिससे हम लोग आगे पीछे जा सकते हैं, राइट। तो ऐसा ही कुछ हम लोग भी बनाने वाले हैं, ठीक है, यही प्लगइन। और प्लगइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसे कोड करेंगे कि उस पूरे फोल्डर को उठा के जहां पे भी ले जाओगे वो काम करेगा। और देखो, जब भी आप कोई प्लगइन डाउनलोड करते हो तो उसके साथ वो लोग बताते हैं कि किस तरीके से आपको इसको वर्क करवाना है। तो वो कुछ देते हैं आपके पास स्क्रिप्ट और CSS का कोड, उसको आपको अटैच करवाना होता है जैसे यहाँ पे करवाया हुआ है। उसके बाद HTML में वो लोग कुछ क्लास वगैरह लगाने को बोलेंगे और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड बोलते हैं कि आप वो डाल दो, हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही कुछ हम लोग बनाने वाले हैं, बिल्कुल प्लगइन नहीं बनाएंगे, राइट। और प्लगइन बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये बस मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूँ, ये कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है। तो इसमें हो सकता है छोटे मोटे बग्स हो, तो इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि ये काम नहीं कर रहा है। अगर कोई बग है तो उसको आप लोग सही करो। मैं बस आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया है, सिंटैक्स जानते हो, बट एक एंड प्रोडक्ट किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से फिनिश करते हैं। तो ये चीज मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के थ्रू दिखाना चाहता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं कि एक फोल्डर बना लेता हूं यहां पे और फोल्डर का नाम रख देंगे हम लोग JS प्लगइन, कैपिटल JS, सॉरी JS प्रोजेक्ट रख देता हूं, प्रोजेक्ट, ठीक है, JS प्रोजेक्ट रख दिया। अब इसको हम लोग VS कोड पे ओपन कर लेते हैं, ओपन विद VS कोड, सो मोर ऑप्शन ओपन विद कोड। तो ये हमारा ओपन विथ कोड हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास फोल्डर बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे जो हमारा प्लगइन फोल्डर होगा, उसका नाम रख देते हैं लाइट बॉक्स, लाइट बॉक्स, ठीक है। अब हमारा एम ये है कि इस फोल्डर को किसी को भी आप दे दोगे तो वो ये फंक्शनैलिटी को यूज कर सके, राइट। अब अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक HTML पेज बनाते हैं जिसपे हम लोग टेस्ट करेंगे, डेवलप करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ index.html, राइट, मैंने बना दिया एक index.html। अब यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करके मैं इसको ब्राउजर पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखो हमारा ओपन हो चुका है। अब हम लोग इस पे जो भी करेंगे वो काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को अब यहाँ पे डमी HTML बनाना होगा सबसे पहला काम। तो HTML का बेसिक सिंटेक्स लिखते हैं, ज्यादा हम लोग उसको CSS वगैरह लिखने वाले नहीं है। तो मैं बेसिक सिंटेक्स HTML का लिख लिया। इसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं, div डॉट कंटेनर, ठीक है। और एक काम करता हूँ, CSS नहीं लिख के मैं यहीं पे स्टाइल ही लिख देता हूँ क्योंकि ये अभी हम लोग बस डेवलप कर रहे हैं तो अभी हम लोगों को ऐसा कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। और मैं इसमें देता हूँ मार्जिन, नहीं पैडिंग, पैडिंग 100 पिक्सल,
ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल दे दिया, ये हमारा कंटेनर हो गया। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, विकिपीडिया जैसा ही दो तीन पैराग्राफ टेक्स्ट रखते हैं और दो तीन इमेजेस रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पी टैग और 100, ठीक है। मैं यहाँ पे व्यू में जाके वर्ड रैप करता हूँ, वर्ड रैप, ये देखो ऐसा आ गया हमारे पास। अब इसी का हम लोग कॉपी बना लेंगे इस पी टैग का, ठीक है। तीन पी टैग बनाते हैं, उसके बीच में इमेजेस डाल देंगे। तीन पी टैग बना लिया हमने, ये रहा एक हमारा यहाँ पे एंड हुआ है, दूसरा यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। अब इसके बीच में हम लोग इमेज टैग डालते हैं क्योंकि उसी में इमेज लगाना है हमें, ठीक है। इमेजेस टैग लगा दिया, यहाँ पे भी इमेज लगा दिया और लास्ट में भी एक इमेज लगा देते हैं। तीन इमेज लगाते हैं, उसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट ही तो चेक करना है, तो तीन इमेजेस में हमारे पास लेफ्ट राइट वगैरह चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, एक बेसिक एचटीएमएल लिया, उसमें एक पी टैग लगाया, उसके नीचे एक इमेज टैग है, उसके नीचे पी टैग, उसके नीचे फिर इमेज, फिर एक पी टैग, फिर इमेज। इमेजेस मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद इस फोल्डर में रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लिए हैं और एक फोल्डर बनाया था इमेजेस और उसमें तीन इमेजेस डाल दिए हैं, ठीक है। एक मैं mac.jpg और एक है ubuntu.web और एक है windows.png। तो इन तीनों को ही हम लोग इन तीनों इमेज में लगा देते हैं। तो मैं src इनका दे देता हूँ, इमेजेस, इमेजेस के बाद mac.js, दूसरे में हम लोग करेंगे इमेजेस, इमेजेस के बाद ubuntu और तीसरे वाले इमेज में हमारा हो जाएगा इमेजेस और विंडोज। ये तीनों लगा दिया। अब हम लोग जरा वेबसाइट देख लेते हैं हमारा कैसा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये लोड हो चुका है। तो आप ये देखो हमारा ये रहा वेबसाइट। तो अभी हमारा काम क्या है कि किसी भी इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो इमेज पॉपअप होकर आ जाना चाहिए और लेफ्ट राइट करने से हम लोग दूसरे इमेज पे चले जाए। तो ठीक है, अभी हम लोगों का काम हो चुका है, HTML बन चुका है। अब हम लोग चलेंगे, मैं कोड एडिटर से ही करता हूँ। हाँ, तो अब हमारा काम क्या है कि ये जो लाइट बॉक्स है इसमें हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लाइट बॉक्स में आपको दो फाइल बनाने पड़ेंगे। पहला होगा CSS के लिए जिसमें स्टाइलिंग वगैरह लिखेंगे हम लोग। तो मैं इसमें कर देता हूँ lightbox.css, ठीक है। और दूसरा एक और बनाना पड़ेगा आपको JS के लिए, तो मैं इसमें लिख देता हूँ lightbox.js, ठीक है। हमारा दो बन चुका है। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम लोग जो हमारा पॉपअप होकर आता है इमेज वो बनाना, तो उसके लिए आपको HTML का जरूरत पड़ेगा। बाद में उसको हम लोग इस JS फाइल में लेके आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल डेवलप करने के लिए हम लोग इसी HTML पेज में हम लोग बनाते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि बॉडी के नीचे एक और div टैग ले लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम रख देंगे हम लोग कुछ भी, पॉपअप कुछ भी रख देते हैं। तो मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, इसका आईडी देते हैं, ठीक है। आईडी कर देता हूँ विश पॉपअप, ठीक है, पॉपअप। मैंने एक डिव बना लिया, यही बेसिकली हमारा जो इमेज पॉपअप करके आ रहा है उसका कंटेनर होगा। अब इसमें हमें क्या डालना है, सबसे पहले दो तीन इमेजेस डालने पड़े। इमेजेस किस लिए, पहला तो इमेज होगा IMG, मैं इसको इमेज दिखा देता हूँ। पहला इमेज जो हमारा होगा वो होने वाला है जो मेन हमारा इमेज है वो। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि यही वाला कॉपी कर देता हूँ, mac.jpg, ठीक है। इसको कॉपी कर दिया यहाँ पे, ये होगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा इस इमेज पे तो ये पॉपअप होके आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, जब पॉपअप होके आएगा उसका HTML बना रहे हैं। तो इसका भी एक आईडी हम लोग दे देंगे, अभी आईडी क्या देंगे हम लोग, इसको बोल देते हैं मेन पॉप इमेज, ठीक है, मेन पॉप इमेज, क्योंकि यही वो इमेज टैग है जिसमें हमारा मेन इमेज पॉपअप होके आएगा। तो ये तो हो गया। दूसरा तीन चीजें और थी हमारे पास, क्या था, एक लेफ्ट एरो था, एक राइट एरो था और एक क्लोज का बटन था। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तीन इमेज ऐसा ही इमेज टैग और बनाते हैं, दो बनाते हैं सबसे पहले लेफ्ट और राइट के लिए। यहाँ पे हम लोग इमेजेस यूज करेंगे लेफ्ट राइट बटन के लिए। तो इसमें मैं पहले से डाउनलोड करके और ऑलरेडी मैंने रख दिया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे लाइट बॉक्स के अंदर भी एक इमेज प्लगइन इमेज नाम का फोल्डर है और उसके अंदर हम लोगों ने तीन इमेज डाउनलोड करके रखा है, एक close.png, देखो क्लोज बटन के लिए, दूसरा आपका लेफ्ट बटन, ठीक है, तीसरा राइट बटन। ये सारे इमेजेस आपको इंटरनेट से मिल जाएगा।
तो ये मैंने लाइट बॉक्स वाले ही फोल्डर में इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर तीन इमेजेस रख दी हैं, क्लोज लेफ्ट राइट, ठीक है, क्योंकि यही तीन काम हम लोग करने वाले हैं, तो उसी के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि आईडी दे देता हूँ पहले, आईडी इक्वल टू लेफ्ट एरो, और सेम यहां पे हम लोग करेंगे आईडी इक्वल टू राइट एरो, राइट एरो दे दिया हमने। और यहां पे मैं क्या करता हूं कि इन सब का पाथ भी दे देता हूं, तो हमारे पास पाथ क्या होगा, इमेजेस, सॉरी इमेजेस नहीं, इमेजेस में हम लोग वहां पे चले जा रहे हैं, तो लाइट बॉक्स के अंदर जाना है हमें पहले, तो लाइट बॉक्स इमेजेस, और इसमें हमारा क्या लेफ्ट एरो है, लेफ्ट कर दिया, और उसी तरीके से हमारे पास राइट भी होगा। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ नाम, हाँ राइट डॉट पीएनजी है, यहाँ पे हम लोग राइट कर देते हैं, राइट, ठीक है, दो पीएनजी लगा लिया। अब हमारे पास क्या है, एक हमारे हमें क्लोज बटन भी बनाना है, राइट, जिस पे क्लिक करते हैं क्या हो वो क्लोज हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक स्पैन टैग के अंदर डाल देते हैं, जरूरी नहीं है बट क्योंकि हम लोग इस पे क्लिक वाला फंक्शनैलिटी लगाने वाले हैं, इस वजह से इसको क्लोज टैग में डाल देते हैं। और उसके अंदर हम लोग एक इमेज ले लिया, और इमेज में हमारे पास फिर से उसी तरीके से एसआरसी जाएगा, लाइट बॉक्स LIGHT लाइट बॉक्स स्लैश इमेजेस स्लैश क्लोज, ठीक है, क्लोज डॉट पीएनजी वाला हम लोग यूज करने वाले हैं। और इसका भी एक आईडी दे देते हैं, आईडी हम लोग देते हैं, एक काम करते हैं, इसका आईडी देते हैं एन पॉप, ठीक है, आईडी इक्वल टू एन पॉप, और इस स्पैन टैग पे भी हम लोग एक आईडी लगा देते हैं, आईडी इक्वल टू क्लोज, क्लोज। अब अगर आप आउटपुट देखोगे तो कुछ इस तरीके से बिखरा बिखरा सा आना चाहिए, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इमेजेस आना चाहिए, देखो इमेजेस आ चुका है, बाकी वाइट ही हमारे पास इमेज है, इस वजह से ये नहीं आ रहा है, राइट, तो वो अभी आपको दिखने लगेगा, जब हम लोग सी एस एस लिखेंगे तो दिखेगा, क्योंकि वो तीनों इमेज क्लोज का बटन लेफ्ट राइट तीनों वाइट था, इस वजह से नहीं दिख रहा, ये मैक वाला इमेज अभी आपको दिख रहा है, राइट, तो जैसे ही बैकग्राउंड को हम लोग ब्लैक करेंगे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग सी एस एस को लिखते हैं, तो lightbox.css में जाते हैं और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास क्या क्या है, विस पॉपअप है, सबसे पहले इसको करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये आईडी था तो यहाँ पे लिखेंगे विस पॉपअप। मैं इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं लिखता जाता हूँ और जहां जहां पे मुझे दिखता जाएगा वहां वहां मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि CSS का तो है नहीं ये प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं विथ, सॉरी विथ 100%, उसके बाद हाइट दे देते हैं 100 VH, और फिर हम लोग करते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम लोग देंगे RGBA में, RGBA ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ठीक है, तो मैं देता हूँ 0.0.0.9, ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहेगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोग ऐसा दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग इसका कर देते हैं पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, पोजीशन फिक्स कर दिया है, और टॉप और लेफ्ट 0 कर दो, तो मैं करता हूँ टॉप 0 लेफ्ट 0, मैं इसको सेव कर देता हूँ। और उसके बाद अब हम लोग थोड़ा आउटपुट को रिफ्रेश करके देखते हैं, ये मेरे ख्याल से इसलिए नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने CSS लिखा तो है बट यहाँ पे अटैच नहीं किए, ठीक है, तो हमारा जो लाइट बॉक्स है उसमें दो चीजें हमने बना रही है, लाइट बॉक्स डॉट CSS और लाइट बॉक्स डॉट JS, तो उन दोनों को HTML में अटैच करना पड़ेगा तभी तो वो जाके काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि CSS को हेड टैग के सबसे नीचे, मतलब हेड टैग क्लोज करने से पहले हम लोग लाइट बॉक्स को अटैच करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ लाइट बॉक्स CSS, ठीक है,
और अब यहाँ पे हम लोग लिंक टैग से लिंक कर देंगे, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा लाइट बॉक्स और लाइट बॉक्स डॉट सी एस एस। ठीक है, उसी तरीके से सबसे नीचे जाके हम लोग बॉडी क्लोज करने से पहले हम लोग लाइट बॉक्स का जे एस भी इंक्लूड करेंगे। मैंने लिख दिया लाइट बॉक्स जे एस, और यहाँ पे हम लोग लेंगे स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग एस आर सी, और इसमें हम लोग देंगे लाइट बॉक्स, लाइट बॉक्स, और लाइट बॉक्स के अंदर है हमारे पास lightbox.js। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया कि हमारा जो प्लगइन था ये लाइट बॉक्स वाला फोल्डर, उसके अंदर दो फाइल बनाया lightbox.css और lightbox.js, तो उसको हमने अटैच किया है अपने HTML से, क्योंकि काम तो HTML पे ही होना चाहिए, तो हम लोग उसमें अटैच किया। क्या किया, सबसे नीचे हम लोग क्या करेंगे, js ऐड कर देंगे लाइट बॉक्स का जो हम अभी डेवलप करने वाले हैं, और ऊपर ऐड करेंगे हेड टैग के जस्ट ऊपर लाइट बॉक्स का css। ठीक है, ये दोनों ऐड कर दिया है। अब अगर आप यहां पे जाकर देखोगे, रिफ्रेश करोगे, तो देखो ब्लैक हो चुका है। ठीक है, ब्लैक हो गया, लेकिन हमारे ये सब इमेजेस बहुत बड़ा है इस वजह से सब कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो अभी सही हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अभी हम लोग आगे css लिखेंगे बहुत सारा, तो सही हो जाएगा। अब हम लोग इसमें करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, और फिर मैं इसमें कर देता हूँ पैडिंग टॉप बॉटम, तो पैडिंग टॉप 70 पिक्सल कर देते हैं, और पैडिंग बॉटम कर देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, ताकि उतना डिफरेंस आए, बिल्कुल चिपक के ना आए, और फिर इसका जेड इंडेक्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि जेड इंडेक्स अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो किसी और चीज के नीचे जा सकता है जिसका जेड इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो 999 कर देते हैं, और उसके बाद आई थिंक सब सही है, हाँ सब सही है, बाद में इसको डिस्प्ले नन करेंगे हम लोग। तो अब अगर आप देखोगे तो अब हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, अब आप देखोगे कि हमने पोजीशन फिक्स कर दिया है, तो उसके नीचे आ रहा है सारा का सारा वेब पेज, राइट, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा तो मैं इसको कर देता हूँ 7। ठीक है, 7 करते आप देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो गया, पीछे देखो स्क्रॉल हो रहा है, राइट। ठीक है, तो इसको हम लोग 7.5 कर देते हैं, ताकि ज्यादा लाइट भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, अब हमारा ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या था, अगर आप जाकर यहाँ देखोगे तो हमारे पास एक है एन पॉप करके है, और एक मेन इमेज है हमारे पास, मेन पॉपअप इमेज, और लाइट एरो और लेफ्ट एरो राइट एरो, ये दोनों बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट और राइट करते हैं। लेफ्ट राइट करने से पहले हम लोग इसको टारगेट करेंगे इसके थ्रू, ताकि वो क्लैश ना करे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं लेफ्ट एरो, और सेम राइट एरो के लिए भी है, अच्छा बाद में कॉपी कर लेंगे। तो इसका हम लोग कर लेते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप हम लोग कर देते हैं 50 VH। ठीक है, और क्योंकि ये लेफ्ट एरो है, तो हम लोगों को लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल दे देते हैं, लेफ्ट 50 पिक्सल, और उसके बाद हम लोग कर सकते हैं विथ और हाइट दे सकते हैं, राइट। तो हम लोग करते हैं, क्योंकि वो इमेज बहुत बड़ा है तो उसको छोटा करना ही पड़ेगा हमें, तो 40 पिक्सल मैं कर देता हूँ विथ, और सेम हाइट कर देता हूँ ताकि वो बिल्कुल सर्कल जैसा लगे, 40 पिक्सल। ठीक है, 40 पिक्सल हो गया हमारा, और मार्जिन 0 कर देते हैं, या मार्जिन रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि उसका पास माउस ले जाने पे वो लिंक जैसा बने, उसके लिए हम लोग करते हैं कर्सर और पॉइंटर। ठीक है, अब हम लोग जरा आउटपुट देखते हैं, तो देखो ये छोटा सा हो गया। अब देखो इस इमेज पे हम लोग माउस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इस इमेज पे आते ही माउस चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लिक होने वाला है। तो इसी तरीके से हम लोग सेम इसको कॉपी करके राइट वाले के लिए भी, इमेज के लिए भी लिख लेते हैं। बस इसमें हमें करना पड़ेगा जहाँ पे जहाँ जहाँ लेफ्ट लिखा है वहाँ राइट कर देता हूँ, काम कर जाएगा। अब हम लोग आके इस पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन ये राइट वाला इसलिए छुप गया क्योंकि हमारा जो मैक वाला इमेज है वो बड़ा है। तो अब उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कोड लिखते हैं। तो
मैक के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। कोड क्या होगा हमारा, फिर से हम लोग बेस पॉप वाला ही लिखेंगे ताकि क्लैश ना करे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो नाम था वो है मेन पॉप इमेज था, मेन पॉप इमेज यही था, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्योंकि उसका विथ ज्यादा बढ़ रहा था तो मैक्स विथ लगा देते हैं। मैक्स विथ कितना लगाते हैं, 80%। ट्राई करके देखते हैं, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये मैं अभी ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कहता हूँ। और सेम मैक्स हाइट भी लगा देते हैं, कोई अगर वर्टिकल इमेज होगा तो उसके लिए 80 VH, ठीक है। मैक्स हाइट और मैक्स विथ लगा चुके हैं हम लोग। और मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन दे देते हैं हम लोग, मार्जिन मार्जिन कितना दे, 10 VH, 10 VH एंड 0, राइट। ये अब हम लोग जरा देखते हैं इसको। हाँ, अब देखो हमारा थोड़ा सा सही हो चुका है, लेकिन अभी भी गलत हो रहा है, कुछ तो हमने ज़्यादा कर दिया है। आई थिंक इधर से भी कर देते हैं 5 VH कर देते हैं, 5 VH, और इधर भी 5 VH, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये थोड़ा तो सही हो गया है, लेकिन आई थिंक ऊपर से हमने मार्जिन इसमें ज़्यादा दिया था, पैडिंग। हाँ, इसको कम करके 30 करते हैं, और अब हम लोग देखेंगे तो अब हमारा सही है। बस ये जो हमारा क्लोज वाला बटन था वो नीचे आ रहा है, उसको उठा के हमें ऊपर कॉर्नर पे लगाना है, ठीक है। तो उसको भी स्टाइल कर लेते हैं। उसको स्टाइल करने के लिए हम लोग फिर से वही लिखेंगे, रेस पॉप पॉप अप, मैं करता हूँ क्लोज, और उसके बाद क्लोज के अंदर जो भी इमेज है उसको टारगेट कर लिया है। अब हमें इसको देना है, सबसे पहले सेट करना है पोजीशन, पोजीशन करना है एब्सोल्यूट, और उसके बाद हमें इसे टॉप पर पहुंचाना है। टॉप हम लोग इसका कर देते हैं 20 पिक्सल, टॉप 20 पिक्सल, और इस राइट में रहेगा तो राइट से भी 20 पिक्सल, राइट 20 पिक्सल, ठीक है। टॉप और राइट हमारा पहुंच चुका है। विथ हाइट सेट कर देते हैं हम लोग, विथ वही 40 पिक्सल, ठीक है, हाइट भी 40 पिक्सल, ठीक है। अब देखें, हाँ अब ये पहुंच चुका है। बस इसके इमेज पे हमें क्या सेट करना है, कर्सर सेट करना है, क्योंकि देखो अभी इमेज मतलब माउस ले जाने पे वो चेंज नहीं हो रहा, वो पॉइंटर जैसा लग नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पॉइंटर, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब देखो अब यहाँ ले जाते हैं, चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारा जो लेआउट था एक्चुअल में लाइट बॉक्स का वो बन चुका है, बन गया हमारा। अब अगर आप देखोगे तो हमारा CSS बन के रेडी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो मैं CSS को इस साइड ले आता हूँ। JS में अब हमारा काम एक्चुअल JS का अब स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक चीज गौर करो कि जो पॉपअप वाला कोड है यहां से यहां तक, वेस पॉप वाला, इसको हम लोगों ने किसमें लिख दिया, HTML में लिख दिया है। तो इसको हम लोगों को ले जाना है कहां, JS में, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, प्लगइन बना रहे हो, राइट। तो प्लगइन का सारा एक ही फोल्डर में रहना चाहिए, HTML वगैरह भी, ठीक है। तो इस चीज को यहां से यहां तक जो हमने पॉपअप के लिए लिखा है उसको हम लोग यहां से कट करके ले जाएंगे JS में। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो अभी यहां से हमने हटा दिया तो अब हमारा नॉर्मल वेब पेज दिख रहा है, दिख रहा है, क्योंकि हमने वो कोड हटा दिया, वो तो हमने डेवलप किया था अपने लाइट बॉक्स के लिए। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना JS का कोड। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिखेंगे किस चीज के लिए, पॉपअप वाले HTML कोड को इंक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, फंक्शन बनाते हैं हम लोग, फंक्शन टू इंक्लूड HTML पॉपअप कोड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम रख देते हैं इंक्लूड, क्या रखें, पॉपअप HTML लिख देते हैं, ठीक है। तो पॉपअप HTML, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया, ये लो फंक्शन बन चुका है। अब इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट, और यहाँ पे लिख देते हैं HTML,
क्योंकि इस वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं, HTML स्टोर करने वाले हैं, वहां से जो हम लोग कट करके लाए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर दिया, लेकिन आप देखोगे कि ये एरर दिखाने लग गया। एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, तो आप इसके बीच में जितने भी स्पेस थे उनको हटा दो। ये देखो मैं हटा देता हूँ और आप देखोगे कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास व्यू में जाके वर्ड रैप ऑन करते हैं। बिल्कुल ये देखो, ओके, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि डबल कोट यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंगल कोट में ले लेते हैं क्योंकि HTML वाला डबल कोट को डबल कोट ही रहने देते हैं। अब देखो, अब हमारा नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो हमने जो भी HTML यहाँ पे लिखा था पॉपअप करने के लिए उसको उठा के एक वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, बस स्पेस वगैरह हटा दिया। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने HTML में डबल कोट यूज किया है तो इस वेरिएबल में सिंगल कोट यूज कर लेना है ताकि क्लैश ना करे। अब हम लोग HTML में कैसे ऐड करेंगे इस कोड को वो देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, सबसे पहले एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम लिख देते हैं लेट पॉप डिव इक्वल टू। अब हम लोग एक एलिमेंट बनाते हैं जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ document.createElement, और हम लोग कौन सा एलिमेंट बनाने वाले हैं, एक div बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे div ले लेता हूँ। ठीक है, बना लिया। अब इस div को हम लोग इस div के अंदर इसका इनर HTML जो हमारा HTML है वो सेट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, pop div dot inner HTML, ठीक है, equal to HTML। HTML क्या है जो अभी हमने ये बनाया, ये देखो यहाँ पे वेरिएबल जो बनाया वही इसमें सेट कर दिया। तो अभी तक हमने क्या किया, जो हमने HTML डेवलप किया था उसको एक वेरिएबल में रख लिया, यहाँ पे हम लोग डायनेमिकली एक div बना लिया, उस div के अंदर हम लोग ये सब कुछ ऐड कर दे रहे हैं जो हमने बनाया था। राइट, अब इसको हम लोग क्या करना है कि बॉडी में जहां पे हम लोग पहले लिख रहे थे बॉडी के जस्ट नीचे वही चीज करना है। तो वो जावास्क्रिप्ट से कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था डॉम बॉम मैनिपुलेशन के जब पढ़ा रहा था। तो ठीक है, तो उसमें करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो इससे हमारा बॉडी सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद उसमें हम लोग करेंगे इंसर्ट बिफोर का आता है हमारे पास, इंसर्ट बिफोर, ये देखो इंसर्ट बिफोर नाम का एक फंक्शन होगा। उसमें हमें बताना क्या है, सबसे पहले कि क्या हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं पॉप डिव, ठीक है, जो अभी अभी जस्ट हमने बनाया था। और उसके बाद हम लोग ये बता रहे हैं कि कहाँ पे करना है, तो हमें फर्स्ट चाइल्ड बनाना है उसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ document.body.first child, ये देख। अब ये इससे क्या हुआ, इस कोड से हमारे पास जो हमने ये बनाया था इनर HTML यहाँ पे वो स्टोर करवा दिया, हमने अटैच करवा दिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा काम किया या नहीं। तो अगर आप देखोगे तो अभी हमारा काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले कंट्रोल यू करो और lightbox.js में हम लोग जाकर देखते हैं। ओके, सॉरी, हमारा काम करना चाहिए क्योंकि अभी हमने सिर्फ फंक्शन बनाया, उसको कॉल थोड़ी किया है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए कि हमारा अटैच हुआ या नहीं। ठीक है, और अब आप जाके देखोगे तो हमारा बॉडी में अटैच हो चुका है वो कोड। तो आपने देखा किस तरीके से हमने क्या किया, HTML में जाके डेवलप किया था उस कोड को, और उस कोड को हम लोग JS में लेके आए क्योंकि वो हमारा पार्ट है। ठीक है, तो उसको हमने एक JS में लेके आए और उसको बॉडी में अटैच करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे सेमीकॉलन क्लोज कर देते हैं और जब आप कॉल कर लोगे इसको वो ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो हमारा हो गया, एक फंक्शन हमारा बन चुका है। अब हम लोग दूसरा फंक्शन बनाएंगे। तो दूसरा फंक्शन बनाने से पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, फिर से हम लोग इसको कॉल कराते हैं, इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। इस फंक्शन को कॉल कराया तो आप देखोगे यहाँ पे आ चुका है, जबकि ऐसा नहीं आना चाहिए। ये कब आना चाहिए, जब हम किसी इमेज पे क्लिक करते हैं, तो इसको स्टार्टिंग में हाइड रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हाइड रहेगा कैसे, उसके लिए हमें फिर से CSS में जाना पड़ेगा, और हमारा जो मेन बॉक्स था CSS का है हमारा यहाँ है, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं डिस्प्ले नन। ठीक है, डिस्प्ले नन, अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो क्या होगा, जैसे ही प्लगइन को इंक्लूड करोगे वो दिख जाएगा पॉपअप, लेकिन पॉपअप तो हमारा तब दिखना चाहिए जब किसी इमेज पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये हमारा अब हट चुका है, अब हमारा सही हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन बनाने जाते हैं, और उससे पहले इसको हटा देते हैं।
अब आपको करना यह है कि आपको एक इनिट फंक्शन बनाना है। इनिट फंक्शन का मतलब कि जिस फंक्शन को यूजर कॉल करेगा तब हमारा प्लगइन चलना स्टार्ट होगा, काम करना स्टार्ट होगा, राइट। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, फंक्शन टू इनिट प्लगइन। इनिट मतलब इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं फंक्शन और इमेज पॉपअप इनिट कर देते हैं, इमेज पॉपअप इनिट, ठीक है, ये कर दिया। और अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन कॉल करा लेते हैं, ठीक है, ये वाला फंक्शन यहां पे कॉल करा लेते हैं। अब ये वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करेगा यूजर, तब जाके हमारा प्लगइन एक्टिवेट होगा, समझ रहे हो आप। तो इसमें हमें अभी थोड़ा सा और लिखते हैं कोड, उसके बाद इसको एक्टिवेट करेंगे। तो आप देखो, अब हमारे पास सबसे पहला काम क्या है कि ये जो सारे इमेजेस हैं इनको पॉपअप के लाइक बनाना, ठीक है, कि ये पहला चीज इसका क्रशर चेंज करना कि जब इस पे आते हैं वो लिंक जैसा लगे, फिर उसको क्लिक करें तो इमेजेस पॉपअप होके आ जाए। तो ये सारा कोड अब हम लोग लिखते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे के सारे इमेजेस पे लगा रहे हैं तो हमें सारे इमेजेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप वेब पेज के सारे इमेजेस को सेलेक्ट कर लो, लेकिन आप देखोगे कि विकिपीडिया में भी लोगो पे क्लिक करने पे वो जूम नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा अच्छा प्लगइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्लास बेस्ड सिलेक्शन करेंगे, मतलब जिस इमेज के ऊपर एक कोई क्लास हम लोग पहले से बता देंगे, अगर वो क्लास लगा होगा तो ही वो पॉपअप करेगा। देखो, एक वेब पेज में हो सकता है ना कि 10 इमेजेस हो, लेकिन जो पहला इमेज हमारा लोगो है उसको जूम नहीं करवाना चाहते हैं वो, हम लोग बाकी का बाकी चीजों को करवाना चाहते हैं। देखो, अगर पूरे इमेज पे जैसे आप विकिपीडिया पे भी देखोगे ना, तो वहां उनका लोगो पे पॉपअप नहीं होता जबकि वो इमेज होगा। तो हम लोग क्लास बेस्ड पॉपअप करवाएंगे, मतलब जिस इमेज पे क्लास लगा होगा वो पॉपअप हो जाएगा, राइट। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इमेज को सिलेक्ट करना है, जिस जिस इमेज पे वो पर्टिकुलर क्लास लगा हुआ होगा उसको सिलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट ऑल इमेजेस और इमेजेस विद क्लास, क्लास दे देंगे हम लोग टारगेट, टारगेट मतलब जिसको पॉपअप करवाना है, ठीक है। तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और इसको ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि हम लोग बाद में यूज करने वाले हैं इसको। तो मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ img, ठीक है, लेट img कर दिया। और यहाँ पे अब इस img को यूज करेंगे, ये एक एरे होगा। एरे क्यों होगा, क्योंकि एरे में ही आप एक से ज्यादा चीजों को स्टोर कर पाते हैं, तो हमें एक से ज्यादा इमेज को स्टोर करना है, तो इसलिए यहाँ पे ये एरे बनेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और इसमें हम लोग पास करेंगे टारगेट, टारगेट नाम का क्लास। एक काम करते हैं, क्लास इंडिपेंडेंट रहने देते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पैरामीटर बना देता हूँ, ठीक है, टारगेट नहीं हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो भी यहां पे वो पास करेगा यूजर, ठीक है, टारगेट समझो। हम यूजर को फ्रीडम देंगे कि आप अपने हिसाब से कोई क्लास का नेम रख सकते हो, और जिस क्लास का नेम आप मेंशन करोगे वो उसको हम लोग पॉपअप करवा देंगे उस इमेज को, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पैरामीटर पास करने का ऑप्शन दे रहे हैं, और वही पैरामीटर यहाँ पे हम लोग पास कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि पॉपअप करवाते हैं, सबसे पहले कंसोल करवा के देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है यहां तक, यानी कंसोल लॉग और इमेज img, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो, अब आप यहां पे जाके देखोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आप अभी आपने प्लगइन को इनिशियलाइज नहीं किया है। देखो, कंसोल में कुछ भी नहीं आ रहा। अब देखो कब आएगा, जब ये वाला फंक्शन को कोई कॉल करेगा, ठीक है। तो इसको कॉल कहाँ करना है, HTML में, कहाँ पे करना है, जहां पे आपने JS अटैच किया है उसके जस्ट नीचे। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ऑन करता हूँ और इसके नीचे इसको कॉल करते हैं। अब ये पैरामीटर है, इसके जगह पे आप कोई भी क्लास दे सकते हो। तो हम लोग क्लास का नाम ले लेते हैं पॉपअप, ठीक है, पॉपअप कर दिया। अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे आके दिखा रहा है HTML कलेक्शन, लेकिन 0 है लेंथ। क्यों 0 है, क्योंकि अभी तक हमने किसी इमेज के ऊपर वो क्लास लगाया नहीं है। तो अब मान लो यहाँ पे सबसे पहला इमेज पे हम लोग एक क्लास लगाते हैं पॉपअप, पॉप सॉरी
पॉपअप, ठीक है, ये क्लास लगा दिया। अब यहां पे जाके देखोगे तो हमारे पास एक इमेज सिलेक्ट हो चुका है, देखो एक इमेज सिलेक्ट हुआ। उसी तरीके से आप जितने इमेज पे ये क्लास लगाते जाओगे वो सिलेक्ट होता जाएगा। तो मैं इन तीनों इमेज पे लगा देता हूं ये क्लास, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, कर दिया। अब आके यहां पे देखेंगे तो हमारे पास तीन इमेज सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखो इसको ओपन करो, अब वो सारे इमेज को आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे देखोगे उसका URL वगैरह सारे के सारे प्रॉपर्टी उसका दिखा रहा है। यहाँ देखो हमारे पास करंट SRC भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, राइट। तो ये इससे हमें पता चल गया कि हमारा इमेजेस सिलेक्ट हो चुका है। और कौन से इमेज सिलेक्ट हुआ है, जिसके ऊपर क्लास लगा हुआ है। जिस इमेज पे क्लास नहीं लगा हुआ होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया इस फंक्शन में, और आपको याद रखना है कि जब तक ये वाला फंक्शन कॉल नहीं करेगा कोई और उसमें कोई क्लास पास नहीं करेगा तब तक हमारा प्लगइन ऑन नहीं होगा। मतलब हमारा प्लगइन एक्टिवेट ही तभी होगा जब ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहां देखो अब हमने क्या किया, सारे इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया जिसमें हमारा वो टारगेट क्लास रहेगा। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि इमेज के ऊपर कोई क्लिक करे तो हम पॉपअप दिखाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवेंट लिसनर ऐड करना पड़ेगा सारे के सारे इमेजेस पे, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐड इवेंट लिसनर ऑन ऑल सेलेक्टेड इमेजेस, सेलेक्टेड इमेजेस। और ये हम लोग करते कैसे हैं, क्योंकि ये एक एरे है तो हम लोग इसको एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे चलाता हूं फॉर, फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल बनाने वाले हैं और इसका नाम होगा वेयर आई वेयर इक्वल टू जीरो, और आई इज लेस देन, किससे लेस होगा, इमेज के लेंथ का, मतलब इमेज जो एरे है उसका लेंथ, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, तीसरा आई प्लस प्लस, आप लोग फॉर लूप तो जानते ही होंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमने एक फॉर लूप चलाया, फॉर लूप इसलिए चलाया ताकि जितने इमेजेस सिलेक्ट हुए हैं सब में हमें इवेंट लिसनर को ऐड करना है, सबसे पहला काम। और उससे भी पहले क्या करना है कि उस पर क्रशर ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग ऐड पॉइंटर लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे एक एक करके सारे इमेजेस में करना है। एरे है इमेज का तो यहाँ आई पास करेंगे क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ इसका स्टाइल चेंज कर देंगे, STYLE स्टाइल, सॉरी ये क्या आ गया, स्टाइल डॉट कर्सर इक्वल टू पॉइंटर, ठीक है। बस इससे ही हम लोग चेक कर लेते हैं अभी कि हमारा पॉइंटर ऐड हुआ है या नहीं। अब देखो इमेज के ऊपर ले जाते ही पॉइंटर ऐड हो चुका है और सारे इमेज में हुआ है ये काम, सारे इमेज में हो गया, मतलब हमारा ये लूप भी सही तरीके से काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको बीच बीच में जब भी आप कोई इवेंट ऐड करते हो, कुछ भी ऐड करते हो एक्स्ट्रा, तो आप एक बार चेक कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोड लिखने के बाद आप चेक करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कितने गड़बड़ हुए कैसे हुए। अब हम लोग एक्चुअल इवेंट लिसनर ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब इवेंट लिसनर को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लिक वाले पे करने वाले हैं कि कोई क्लिक करेगा तो हम वो इमेज का SRC को उठा के, SRC मतलब उसका जो पाथ है उसको उठा के हम लोग उसमें सेट करेंगे विस पॉपअप वाले जो बनाया हमने, राइट। तो मैं इसमें क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं IMG आई, मतलब इसमें एक एक करके रोटेट होगा इसलिए आई दिया मैंने, पहले जीरो आएगा फिर वन आएगा। और इसमें करते हैं ऐड इवेंट लिसनर, और ये रहा हमारा कौन सा इवेंट पे हमें करना है, क्लिक इवेंट पे, क्लिक गलत हो गया स्पेलिंग, क्लिक, ठीक है। तो क्लिक इवेंट पे हमें एक्टिवेट करना है, क्या एक्टिवेट करना है, तो उसको हम लोग लिखने के लिए एक फंक्शन लेंगे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारा कौन सा था, मेन पॉप इमेज नाम का हमारे पास एक वो था क्लास, ये देखो यहाँ पे इसी में हम लोग सेट करने वाले थे ना, मेन पॉप इमेज कहाँ है, ये देखो ये जो आईडी है हमारा,
इसका ही SRC हम लोग सेट करने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और इसका क्या करना है, हम लोग इसका पाथ देना है SRC, और पाथ क्या होगा, this.src, this मतलब जो करेंट इमेज जिस पे क्लिक किया गया है, देखो जिस पे क्लिक कर गया है उसका पाथ निकालने के लिए हम लोग ये लिखते हैं this.src। उसके बाद उसके पाथ को हमने क्या किया, जो पॉपअप वाले इमेज था उसमें डाल दिया। अब ये तो चला तो जाएगा लेकिन ये पॉपअप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने डिस्प्ले नन कर रखा है। देखो यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले नन कर दिया था, ठीक है, इसको फिर से डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा विस पॉपअप को। तो फिर से हम लोग एक काम करते हैं, यहां तक मैं कॉपी कर लेता हूं और इसमें हम लोग लिखेंगे विस पॉपअप, और इसका हम लोग स्टाइल चेंज करेंगे style.display=block। ये लो, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि इवेंट लिस्नर ऐड किया है सारे इमेजेस पे, कौन सा इवेंट पे, क्लिक करने पे क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन में हमने क्या लिखा कि जिस भी इमेज पे क्लिक किया गया है उसका पाथ निकालो और जो हमारा पॉपअप वाला मेन इमेज था उसमें सेट कर दो। उसके बाद जो हमारा मेन डिव था जिसको हमने डिस्प्ले नन किया था उसको ब्लॉक कर दो। तो अब देखते हैं हम लोग ये काम करेगा या नहीं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो ये आ गया, ठीक है। अब ये क्लोज नहीं हो रहा तो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये आ गया, ठीक है। जिस पे क्लिक करेंगे वही इमेज पॉपअप हो जाएगा, ये देखो पॉपअप हो गया। अब हम लोग बनाते हैं क्लोज बटन का काम, ठीक है, कि क्लोज करने का यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो अब हम लोग जो फंक्शन बनाएंगे वो रहेगा क्लोज करने के लिए, क्लोज बटन। तो अब हम लोग यहां पे लिखते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम देते हैं हम लोग क्लोज पॉपअप, ठीक है। एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन में हम लोग कोड लिखेंगे कि किस तरीके से क्लोज करना है। अब को कैपिटल कर देते हैं, कैमल केस हो जाएगा फुल का पूरा का पूरा। और इसमें हमें दो काम करना है, जो काम हमने इस इवेंट लिस्नर पे किया था उसका उल्टा कर देना है। उल्टा क्या करना है, इसलिए मैं इसको पूरा कॉपी कर ले रहा हूं एक बार में। देखो हमने यहाँ पे SRC सेट किया था, मतलब पाथ सेट किया था वो पॉपअप इमेज का, उसको कर देना है ब्लैंक, ठीक है, क्योंकि क्लोज कर रहे हैं तो ब्लैंक कर देंगे हम लोग। ये देखो इसको हमने कर दिया है ब्लैंक। दूसरा, इसको हमने डिस्प्ले ब्लॉक किया था, इसको फिर से डिस्प्ले नन कर देते हैं तभी तो क्लोज होगा। बस यही काम है हमारे पास, बस ये दो कोड लिखा, आपका क्लोज पॉपअप बन गया। लेकिन इसको हमें अटैच करना है, अटैच कहां पे करना है, अटैच करना है आपके HTML पे। और HTML कहां हमारा रखा हुआ है, ये देखो मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूं, और हमारा यहां पे HTML है, HTML, और हम लोग यहां पे लगाएंगे क्लोज टैग पे, इसको लगा देते हैं, ये जो स्पैन हमने बनाया हुआ है उस पे लगाएंगे। तो उस पे कैसे लिखेगा, हम लोग यहां पे लिखते हैं ऑन क्लिक, और यहां पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा हमने क्या किया, जो स्पैन टैग बनाया था इसीलिए बनाया था ताकि उसी पे हम लोग ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर लगा देंगे और उसमें फंक्शन कॉल करवा देंगे। फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है, हमारे पास उल्टा काम हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेन पॉपअप इमेज था उसका पाथ डिलीट कर दे रहे हैं और इसको हम लोग डिस्प्ले नन कर दे रहे हैं जिससे वो हाइड हो जाएगा। अब आके जरा हम लोग टेस्ट करते हैं इसको, इस पे क्लिक किया ये पॉपअप आ गया, इस पे क्लिक किया क्लोज हो गया, इस पे क्लिक किया ये पॉपअप आ गया, इस पे क्लिक किया ये क्लोज हो गया, इस पे क्लिक किया ये आ गया, इस पे क्लिक किया क्लोज हो गया, ठीक है। तो हमारा आप देख सकते हो आधा तो बन चुका है हमारा प्लगइन। अब हमारा जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है लेफ्ट राइट करने का इमेज, उसका काम करते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके लिए देखो अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था, एक एरे में देखो ये जो इमेज नाम का वेरिएबल है उसमें हमने एक एरे स्टोर करवा दिया इमेज का सारा। तो लेफ्ट राइट कराने से पहले हमें ये तो पता रहना चाहिए कि उस एरे का कौन से इंडेक्स वाला इमेज अभी करेंटली है, राइट, तभी तो उसके आगे और पीछे करोगे आप, ठीक है, क्योंकि सारा इमेज इसी एरे में स्टोर हुआ है। तो इस एरे में स्टोर हुआ है तो हमें पता करना है कि अभी वाला जो करंट इमेज है वो इस एरे का कौन से पोजीशन पे है, जैसे 0, 1, 2 होता है ना इंडेक्स एरे का, तो वो हमें पता करना है। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले एक और वेरिएबल बना लो, लेट करंट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे कि कौन सा इंडेक्स वाला अभी करंट इमेज है हमारा, ठीक है। उसके बाद लेकिन अभी इसमें स्टोर कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं, मैं यहां लिख देता हूं फंक्शन,
और यहां पे लिख देते हैं गेट करेंट इमेज, गेट करेंट इमेज, मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, हमें करेंट इमेज ढूंढ के निकाल के देगा। तो उसके लिए फिर से हमें फॉर लूप का जरूरत पड़ने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से फॉर लूप लिखते हैं, और फॉर लूप में हमारे पास फिर से वही काम करते हैं, वेब आई इक्वल टू जीरो, वेर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन इमेज लेंथ, इमेज डॉट लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस। ये हम लोग लूप इसलिए कर रहे हैं उस इमेज में ताकि कंपेयर कर सके कि अभी जो करंट हमारा इमेज है वो कौन सा है, ठीक है, और उसको हम लोग कहाँ स्टोर करवा देंगे, जो अभी वेरिएबल बनाया था करंट नाम का उसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करना पड़ेगा। कंडीशन हमारे पास क्या रहेगा, इफ, ठीक है, इफ में हम लोग चेक करने वाले हैं, क्या चेक करने वाले हैं कि आई एम जी का जो एरे है उसमें एक एक करके लूप हो रहा है, तो उसका एस आर सी इक्वल टू किसके एस आर सी के, ये जो मेन पॉपअप है उसका, ये देखो हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, गेट एलिमेंट बाई आई डी मेन पॉपअप इसका, ठीक है, इसका एस आर सी अगर दोनों बराबर है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, सॉरी फंक्शन क्यों यूज करेंगे, एस आर सी, ठीक है। तो देखो जो हमारा पॉपअप हुआ है इमेज उसका पाथ यहाँ पे, और उससे मैच कर रहे हैं कि एरे में जितने पाथ हैं उससे मैच कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जहां पे हमारा मैच हो जाएगा उसका आई, मतलब जो उसका करंट है, जो हमारा करंट वेरिएबल है उसमें हम लोग आई का वैल्यू सेट कर देंगे, बस इतना सा काम है। तो देखो हमने क्या किया, एरे को एक लूप में चलाया और चेक कर रहे हैं कि जो अभी पॉपअप हुआ है उसका इमेज का पाथ और जो करंट पाथ है वो सेम है या नहीं, और जैसे ही पाथ सेम रहा तो हम लोग करंट का वैल्यू आई सेट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें पता चल चुका है कि कौन सा इमेज पॉप हुआ है। अब हमारा काम क्या है, काम ये है कि जब लेफ्ट और राइट पे कोई क्लिक करे तो कुछ हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक नहीं, एक्चुअल में दो फंक्शन बनाना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट के लिए, लेफ्ट इमेज के लिए और राइट इमेज के लिए, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, और लेफ्ट वाले से हमारे पास क्या हो रहा है, प्रीवियस हो जा रहा है, और राइट वाले से नेक्स्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे नहीं करते, मैं करता हूँ राइट इमेज और लेफ्ट इमेज कर देता हूँ, सॉरी नेक्स्ट और प्रीवियस इमेज करता हूँ, पीआरईबी प्रीवियस, और यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज, ठीक है। तो अब मतलब ज्यादा पता लग रहा है कि नेक्स्ट इमेज के लिए हम लोग फंक्शन लिखने वाले हैं। तो फंक्शन का नाम हम लोग कर देते हैं फंक्शन नेक्स्ट आईएमजी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे प्रीवियस इमेज के लिए भी एक फंक्शन लिखते हैं, तो हमने दो फंक्शन बना लिया है, ठीक है। अब ये फंक्शन काम कब करेगा, जब हम लोग लेफ्ट राइट एरो पे क्लिक करेंगे, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा सबसे पहले। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें इवेंट लिसनर ऐड करना पड़ेगा, और इवेंट लिसनर जितना भी है हम लोग सब इमेज पॉपअप इनिट में कर रहे हैं, क्योंकि इसके लगते ही सारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है, जो इनिशियलाइजेशन वाला सारा का सारा काम है वो हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं कि वो दोनों ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट बटन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट बटन, और यहाँ पे लिखते हैं प्रीवियस बटन, ठीक है, उसका कोड लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। कोड क्या लिखना है, हमें क्या करना है कि एक इवेंट लिस्टनर ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, क्योंकि हमने उसका एक आई डी दिया हुआ है, अगर आप याद करो तो राइट एरो लेफ्ट एरो, मैं यहाँ कर देता हूँ राइट एरो, ठीक है, हमने दिया है ना उसका नाम, हाँ ये देखो राइट एरो दिया हुआ है और लेफ्ट एरो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और राइट एरो को यूज कर लिया। अब यहाँ पर राइट एरो पे क्या करना है, एक इवेंट लिस्टनर ऐड करना है। इवेंट लिस्टनर किस टाइप का होगा, क्लिक टाइप का, ठीक है, इसको हम लोगों को कोट में लेना पड़ेगा क्लिक, ठीक है। अब क्लिक होने पर हमें क्या करना है, एक फंक्शन को कॉल कराना है, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, ये रहा।
अब इस एनोनोमस फंक्शन में हमें लिखना है कि क्या होगा। तो इस एनोनोमस फंक्शन में क्या होगा, ये वाला जो हमारा कोड हम लिखने वाले हैं नीचे, इसको कॉल करा लेना है। ठीक है, ये देखो हमने इसको यहाँ पे कॉल करवा लिया। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा राइट एरो था उसको सेलेक्ट किया गेट एलिमेंट वाई आईडी से, उस पर एक इवेंट लिस्टनर लगाया। कौन सा इवेंट लिस्टनर? क्लिक। क्लिक करने पे क्या होगा, हमारा ये जो नेक्स्ट इमेज फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ होगा तो हम लोग लिखेंगे, अभी फिलहाल हमारा काम है कि नेक्स्ट इमेज जो ये फंक्शन बनाया है उसको क्लिक करवाने पर क्लिक हो। उसी तरीके से इसको हम लोग कॉपी करते हैं और प्रीवियस इमेज में भी डाल देते हैं सेम काम। ये बस हमें यहाँ पे पी आर ई वी और यहाँ पे सेलेक्ट करते वक्त यहाँ पे लेफ्ट एरो पे हमें ये काम करना है बस। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट लगा के देखते हैं। अलर्ट नेक्स्ट और यहाँ पे अलर्ट लगाएंगे प्रीवियस PREV। ठीक है, ये टेस्टिंग का तरीका है, आप कैसे चेक करते जाओगे कि आपका कोड सही चल रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब इस एरो पे क्लिक करते हैं, क्या आना चाहिए हमारे पास, नेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए। क्लिक किया, देखो अलर्ट आ गया नेक्स्ट, इस पर क्लिक करते हैं प्रीवियस आना चाहिए, आ गया। इसका मतलब हम जो कोड लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना है नेक्स्ट इमेज लाने का और वहां पे प्रीवियस इमेज लाने का। ठीक है, तो ये दोनों अलर्ट यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो नेक्स्ट इमेज में हम लोग लॉजिक लिखने वाले हैं उसको मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले। देखो, नेक्स्ट इमेज करने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि करेंट इमेज क्या है। तो करेंट इमेज कैसे हम लोग पता करते हैं, उसके लिए हमने एक फंक्शन लिखा है गेट करेंट इमेज, तो इसको कॉल करवा लेंगे। ठीक है, मैंने नेक्स्ट इमेज में कॉल करवा लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें क्या देता है, ये हमें करेंट इमेज पता करके देता है, उसका इंडेक्स पता करके देता है और उसको किसमें स्टोर करता है, करेंट नाम के वेरिएबल में। तो हमें नेक्स्ट इमेज पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस वन करना पड़ेगा। प्लस वन कैसे करते हैं हम लोग, उसके लिए लिखते हैं करंट प्लस प्लस, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले पता किया कि कौन इमेज है और वो कहाँ स्टोर है और उसके एक आगे हम लोग बढ़ गए। ठीक है, बढ़ गए। अब हमारा काम क्या है, सिर्फ डिस्प्ले को चेंज कर देना, जो मेन पॉपअप इमेज यहाँ पे हम लोग एस आर सी सेट कर रहे हैं इसको चेंज कर देना। ठीक है, ये देखो बस तीन लाइन का कोड है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग देंगे इमेज आई एम जी और करंट। ठीक है, यहां हमने इसको पास कर दिया करंट डॉट एस आर सी, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा ऑब्जेक्ट ही आया है डॉट एस आर सी। ठीक है, मैंने सेव करा दिया। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट इमेज में हमने क्या किया, पहले पता किया कौन सा इमेज है, उसको एक प्लस करके आगे बढ़ गए और उसका जो एस आर सी था उसको हमने सेट कर दिया मेन पॉपअप में। अब हम लोग देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसके आगे कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है, हमारा एरे ही वहीं तक है। सेम काम हम लोग प्रीवियस इमेज के लिए भी करते हैं। प्रीवियस इमेज के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले करंट इमेज को फाइंड करेंगे और अब की बार करंट प्लस प्लस ना करके माइनस माइनस करेंगे क्योंकि हमें एक पीछे जाना है। ठीक है, माइनस माइनस कर दिया और उसके बाद सेम लॉजिक रह जाएगा। अब देखो अब ये काम करेगा बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आगे जाता हूं, आगे गया, फिर और आगे जाओगे तो नहीं होगा क्योंकि यहीं तक तो इमेज है ना, तो लेकिन अब आप पीछे भी ट्रावर्स कर सकते हो। तो देखो हमारा नेक्स्ट और पीछे आना जाना स्टार्ट हो गया। ये देखो हमारा प्लगइन काम करना स्टार्ट कर गया, ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुका है काम। बस हमें क्या करना है, अब हमें एक काम और करना है। वो काम क्या है कि जब वो सबसे आखिरी इमेज पे चला जाए ना तो ये बटन ही गायब हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये बटन रहेगा तो लोग इस पर बार बार क्लिक करके देखेंगे। ठीक है, तो हमें इस बटन को हाइड करना है जब वो आखिरी इमेज पे आ जाए, और जब वो पहला इमेज पे हो तो ये वाला बटन हाइड कर दे क्योंकि इधर जाने का कोई रास्ता ही नहीं। तो अब हम लोग ये वाला लॉजिक लिखते हैं। तो इसके लिए भी आपको पता है हम लोग हर फंक्शनैलिटी के लिए एक अलग फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी एक अलग फंक्शन लिखते हैं। तो इसमें हम लोग इसका काम क्या नाम रखते हैं, फंक्शन का चेक एरो रख देते हैं। ठीक है, कि चेक करके एरो को हाइड और शो करना है। ठीक है, मैंने इसको यहां पे कर दिया। इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है, कहां कहां करवाना है, दो जगह पे, जब वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता है और जब वो प्रीवियस बटन पे क्लिक करता है, यही दो जगह पे बार पे हमें चेक करवाना है। मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, ये हो गया हमारा सेव। और अब यहां पे हम लोग करेंगे लिखेंगे लॉजिक। तो हमारा लॉजिक क्या होगा कि सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि करंट इमेज है क्या।
तो करेंट इमेज पता करने के लिए फिर से हमें इसको कॉल कराना है, यहाँ पे कॉल करवा लिया है। और देखो आप कहोगे कि बार बार करेंट इमेज को क्यों कॉल कर रहे हो, तो देखो जब कोई क्लिक करेगा तभी तो ये फंक्शन प्रीवियस और नेक्स्ट वाला क्लिक हो रहा है, तो इसमें ये जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा वो ये जो करेंट इमेज है ये हमारा सेट नहीं होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी करेंट इमेज को कॉल करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि गेट करेंट इमेज से हमारे पास पता चल गया होगा कि कौन सा अभी करेंट जो वेरिएबल है उसमें सेट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं इफ कंडीशन, सॉरी नेक्स्ट लाइन में लिखना था मुझे, इफ कंडीशन में हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो करेंट है अभी जो सेट है, पहला इमेज का करंट क्या सेट होगा, जीरो, क्योंकि एरे स्टार्ट जीरो से होता है, तो हम लोग वही चेक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इमेज डॉट लेंथ क्या होना चाहिए, जीरो होना, सॉरी यहां पे हम लोग डायरेक्ट जीरो चेक कर सकते हैं, यहां पे आप लोग डायरेक्ट जीरो चेक कर लो। ठीक है, मैंने जीरो सेट कर दिया कि करंट जो है अभी जो करंट वेरिएबल में स्टोर है वो अगर जीरो है इसका मतलब ये हमारा पहला इमेज है, राइट इससे आपको पता चल गया होगा। तो इसमें हम जब वो पहला इमेज है तो हमें उसको हाइड करना पड़ेगा, लेफ्ट एरो वाले को हाइड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट एरो को हाइड कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये तो अब तक आपको याद ही हो जाना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसका आईडी देंगे लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसका स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन कर देंगे। तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, ठीक है ये कर दिया। अब ये तो हो गया हमारे पास, अब हमारा दूसरा क्या है, else if लिखते हैं, else if, ठीक है else if में अब की बार हम करंट क्या देखेंगे, करंट ये देखेंगे कि क्या वो सबसे लास्ट इमेज है, तो लास्ट इमेज चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा इमेज एरे जो है उसका लेंथ निकालते हैं डॉट लेंथ और माइनस वन इसलिए क्योंकि लेंथ अगर वो 3 दिखा रहा है तो एरे स्टोर 2 तक ही होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस वन कर रहे हैं। और इसमें भी हमें सेम काम करना है, राइट एरो को हाइड कर देना, ये देख राइट एरो को हम लोग हाइड कर दे रहे हैं, राइट एरो को हाइड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग चेक करके देखते हैं जरा कि काम कर रहा है या नहीं, तो मैं इस पे ये कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ है, कंसोल में आया होगा 82 नंबर लाइन पे हमने अनएक्सपेक्टेड ये दिया है, 82 नंबर लाइन पे अनएक्सपेक्टेड क्या है, ओके else if ऐसे होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए था। अब देखते हैं क्या अब काम कर रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसको हाइड हो जाना चाहिए था, हाइड हो जाना चाहिए था, ये हाइड हुआ नहीं है। अब मैं एक बार जरा लास्ट वाले इमेज पे आते हैं, हाँ तो ये हाइड हो चुका है, यहां आने पे हो चुका है, ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि जब हम लोग पहली बार क्लिक करते हैं, देखो अब ये हाइड हो चुका है तो ये फिर से हमें इसको शो करना चाहिए था, ठीक है, हमने एक बार हाइड कर दिया तो बार बार शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं समझ गया हूं गड़बड़ क्या हुआ है, कि देखो आपने इसको नन किया, ठीक है, तो इसको फिर वापस लाना भी तो है जब वो करंट इमेज जीरो ना हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स कर देंगे, एल्स में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को हम लोग ब्लॉक कर देंगे, दोनों को ब्लॉक करना, उसका रीजन ये है कि हम लोग सबसे पहला इमेज और सबसे आखिरी इमेज पे नन कर रहे हैं, लेकिन बाकी अगर बीच में वो रहे तब तो दोनों हमें दिखना चाहिए ना, तो ये देखो अब दिखेगा दोनों, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, देखो मैं जब इस पे क्लिक किया तो दिख रहा है, इस पे क्लिक किया ये गायब हो गया, अब इस पे क्लिक किया देखो ये वापस आ गया हमारे पास ये बटन, फिर इस पे क्लिक किया ये गायब हो गया, फिर इस पे क्लिक कर रहे हैं ये आ रहा है, ठीक है आ रहा है, बट क्वेश्चन ये है अब हमारे पास एक जगह पे और एरर क्या है कि इस पे जब क्लिक करते हैं तो पहली बार में ये गायब दिख गया, ये गायब, ये क्यों नहीं आया, इसको हटना चाहिए था ये हट रहा है, रीजन पता है क्यों, क्योंकि हम लोग ये जो चेक एरो है इसको दो जगह पे चेक कर रहे हैं, ये कब कब काम करेगा, जब कोई नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करेगा या प्रीवियस इमेज पे क्लिक करेगा,
लेकिन जब हम पहली बार, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, तो देखो पहली बार ना तो किसी ने इस पे क्लिक किया ना तो किसी ने इस पे क्लिक किया, तो पहली बार में भी ये चेक होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, इस जो चेक एरो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इनिशियलाइजेशन वाला हमारा पोर्ट था उसमें जाके लगा सकते हैं। कहाँ पे, जहां पे इवेंट लिस्नर ऐड कर रहा है। एक सेकंड, देखो ऊपर आओ, ये देखो यहां पे हम लोग कर देते हैं इसके नीचे, इसके नीचे इसलिए ऐड किया क्योंकि जब कोई क्लिक करेगा किसी इमेज पे तब भी आपको एरो चेक करना है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करवा रहे हैं, जब किसी इमेज पे कोई क्लिक करे तो काम करवा रहे हैं। तो अब देखो, अब ये मेरे ख्याल से सब कुछ सही काम करेगा। अब देखो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो यहां पे क्योंकि ये सबसे पहला इमेज था तो हमारा लेफ्ट साइड वाला एरो गायब हो गया। अब जब राइट साइड वाले पे क्लिक करेंगे तो देखो वो एरो आ चुका है, फिर से इस पे क्लिक करेंगे फिर से गायब हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो इस साइड वाला एरो गायब हो चुका है। अब फिर से जब इधर आगे आएंगे तो फिर दोनों आ गया हमारे पास, क्लोज पे क्लिक करेंगे क्लोज हो चुका है, फिर बीच वाले पे जब हम क्लिक करके देखते हैं तो दोनों आया हुआ है हमारे पास, इधर जा रहा है गायब इधर, ये ठीक है। लास्ट वाले इमेज पे एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ लास्ट वाले इमेज पे आप देखोगे कि दोनों गायब हो गए। ये देखो अगर हम लास्ट वाले इमेज पे क्लिक करें दोनों गायब हो गए, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो इकलौता कंडीशन लिखा है इसको सही करना है। हमें क्या करना है, जब ये हाइड हो तो वो, जब ये नन हो तो इसको ब्लॉक करो, ठीक है, और जब दूसरा नन हो तो पहले वाले को ब्लॉक कर दो, ठीक है, ब्लॉक। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब फिर से हम लोग लास्ट वाले इमेज पे क्लिक करके देखते हैं। अब देखो अब हमारे पास आ रहा है, ठीक है, सब आ रहा है। अब मैं बीच वाले पे क्लिक करता हूं, देखो दोनों बीच, क्योंकि बीच वाला है तो इसलिए दोनों एरो हमारा काम करेगा। उसी तरीके से हम लोग पहले वाले पे क्लिक करते हैं, इधर एरो गायब है और इधर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्लगइन बन चुका है फर्स्ट थिंग, लेकिन अभी भी इसमें कुछ एरर हो सकता है। एरर कब आएगा वो मैं आपको बताता हूं, वो आप करेक्ट करना। जब अगर एक ही इमेज रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होने का चांसेस है कि कौन सा एरो दिखेगा कौन सा एरो नहीं दिखेगा, देयर इज अ चांस। तो आप लोग उसको खुद से अब लॉजिक सेट करके आप लोग उसको करेक्ट करना उसको, और भी आप कंडीशंस पे चेक कर सकते हो, ज्यादा इमेज लगा के कम इमेज लगा के आप चेक करो, और अगर कोई एरर होता है तो आपको उसको करेक्ट करना है, ठीक है। कमेंट में नहीं लिखना है, कमेंट में आपको क्या करना है, आप कोड को करेक्ट करो, गिटहब पे अपलोड करो और कमेंट में आप डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, मैं कहीं पे इसको अटैच करने वाला नहीं हूं, मैं आपको बस इसमें सिखा रहा था कि किस तरीके से आप एक प्लगइन बनाते हो, एक प्रोडक्ट बनाते हो जावास्क्रिप्ट का, राइट। तो सोचना कैसे होता है, कैसे चेक करना होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना होता है, तो मैं ये सिखा रहा था। अब देखो, अब इसमें आप एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक तो डॉक्यूमेंटेशन सही कर लेना। मैंने देखो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर रहा था, कमेंट डाल रहा था, बट आगे मैंने डाला नहीं है क्योंकि वही बात है कि मैं बस आप लोगों को सिखा रहा था, तो इस वजह से। बट आप लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना जब भी कोई भी कोड बनाते हो, ठीक है, कौन सा कोड क्या कर रहा है, एटलीस्ट फंक्शन कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है वो आपको लिखना होता है, ठीक है। और जैसे ये मेरा JS का प्लगइन है तो आप इसके ऊपर ना कमेंट कर देना। कमेंट कैसे करोगे, आप मल्टी लाइन कमेंट बनाते हो, ठीक है, ये रहा हमारा मल्टी लाइन कमेंट, और इसमें आप लिख दो, दो दो तीन चीजें आपको लिखने होते हैं। पहला लिखना होता है प्लगइन नेम, ठीक है, तो यहां पे आप लिख दो लाइट बॉक्स, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं टेकन लाइट बॉक्स, लाइट बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो प्लगइन का वर्जन, प्लगइन वर्जन, जैसे इस वर्जन में मेरा एक दो एरर हो सकता है तो उसको आप लोग जब करेक्ट करोगे तो आप वो लिख सकते हो। अभी मैं दे देता हूँ 0.0 1.1, ठीक है, आप जब करेक्ट करोगे तो उसको आगे बढ़ा देना 1.0.1, ठीक है। फिर आप यहाँ लिख सकते हो प्लगइन ऑथर, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, एक सेकेंड, ऑथर गलत स्पेलिंग हो गया, ठीक है, आप अपना लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर डाल सकते हो अबाउट प्लगइन, और यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपने प्लगइन के बारे में,
ठीक है, तो कुछ ऐसा आप लोग जब प्लगइन बनाते हो तो कुछ ऐसा आपको लिखना होता है ऊपर, लिखना नहीं होता है, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोड तो काम ही करेगा, बट एक प्रॉपर तरीका ये होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट करना है, हर फंक्शन के ऊपर आपको लिखना है कि क्या ये फंक्शन क्यों लिखा गया, और अगर कोई फंक्शन बड़ा हो रहा है तो उसके बीच में भी आप लिख सकते हो कि ये लूप क्या कर रहा है, हम लोग अब एड इवेंट लिसनर एड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा कोड लिखते हो तो कोई भी उसको पढ़ सकता है आसानी से, इनफैक्ट जब आप बाद में आओगे तो आपको ही हेल्प होगा, ठीक है। मैंने नीचे जाके ये काम छोड़ दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी फिनिश करना था इसको, क्योंकि लेंथ ज्यादा बड़ा हो रहा था, ठीक है। तो ये है आपका प्लगइन। और अब देखो, अब आप किसी को भी ये जो आपका फोल्डर है, मैं आपको इसमें दिखाता हूं यहां, ठीक है। अब आप किसी को भी ये जो फोल्डर है आपका लाइट बॉक्स, ये किसी को भी दोगे तो आपका प्लगइन वो यूज कर सकेगा, और बस आपको उसको एक डॉक्यूमेंटेशन में आपको उसको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि वो अपने HTML में ये स्क्रिप्ट लिखे, ठीक है। पहले तो अटैच करे JavaScript और ऊपर CSS, ठीक है। ये देखो lightbox.css अटैच करेगा और नीचे अटैच करेगा lightbox.js, और यहां पे ये स्क्रिप्ट लिखेगा, ठीक है। स्क्रिप्ट में क्या लिखेगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें एक क्लास पास करेगा, और ये क्लास जिस जिस इमेज पे लगा होगा, जैसे यहां पे लगा हुआ है, वो पॉपअप करेगा, ठीक है। तो आपको इतना कुछ बताना होता है उसको जब भी आप उसको दे रहे होते हो। तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि प्लगइन वाले भी बता देते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कैसे है हमारा प्लगइन यूज करना है। और आप क्या करोगे, ये वाला जो हमारा लाइट बॉक्स है, ये हमारा जो है फोल्डर, इसको जिप करके अपलोड कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, ठीक है।